हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पार्टनर आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे हैं, यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपके बारे में जब बात करते हैं किसी से तो क्या बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, उनकी जो थिंकिंग है आपको लेकर वो क्या है और आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप फील कर पाते हैं वो आपके साथ में, क्या उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए और वो आपके लिए परफेक्ट हैं और वो किस तरह का कनेक्शन आपके साथ में फ़ील कर पाते हैं जो वो दूसरों को बताते हैं आपके बारे में। जब ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं आपके बारे में और आज शाम ये पर्सन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से, आज की इस रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है और किसी को भी अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड गोइंग विद द फ्लो, रीबर्थ, पॉसिबिलिटीज़, करेज, द ड्रीम, थंडरबोल्ट, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, यहाँ इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आज शाम एक ऐसे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हैं और काफ़ी आपके पार्टनर की इन्होंने हेल्प की है, चाहे लव एंड रिलेशनशिप हो या फिर कोई और भी प्रॉब्लम होना, तो ये जो आपके पार्टनर हैं उनसे काफ़ी हेल्प लिया करते हैं। आज शाम आपके पार्टनर उनसे बातें कर रहे हैं कि आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनको ऐसा लगने लगा है कि आप उनकी रियल हैप्पीनेस हैं और जब कभी भी इनसे आपकी बात नहीं होती है, आप दोनों जब एक दूसरे से जुदा रहते हैं ना, तो ये पर्सन काफ़ी अकेला और लोनली फील करते हैं। भले ही इस पर्सन की लाइफ में पास्ट में कितने भी रिलेशनशिप्स रहे हों, ये पर्सन कितने भी फ्लर्टिंग नेचर के क्यों ना रहे हों, इस पर्सन का नेचर किसी भी तरह का क्यों नहीं रहा हो, पर आपके साथ में जो बॉन्ड इस पर्सन को महसूस होता है, फील कर पाते हैं, ये पर्सन किसी और के साथ में कभी फील नहीं कर पाए हैं। ये पर्सन 24 आवर्स आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा लगता है आप दोनों अभी सेपरेट हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इससे कोई बात छुपाई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियां बनी हुई हैं, बट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन अपनी भी गलती रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अपने अंदर भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कहाँ क्या आपके साथ में गलत कर दिया है। ये पर्सन ना आप ही के ड्रीम देखते हैं, आपके लिए करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कमिटमेंट दे सकें। अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं जो इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जो इन्हें वलगलाने की कोशिश करते हैं, अभी भी इनकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, बट ये पर्सन उन सबको ही आपके लिए ना बोल रहे हैं। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आप ही को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अगर ये पर्सन कभी कमिटमेंट देने का किसी को सोचते हैं तो वो आप ही हैं। ये पर्सन आप ही को जजमेंट देना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं और आशाम भी ये अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि ये पर्सन ना आपके साथ में गोइंग विद द फ्लो बहना चाहते हैं। इन्हें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं आपके उनके रिलेशनशिप के लिए, मूवमेंट टू मूवमेंट चलना चाहते हैं और आप ही के ड्रीम देखते हैं। इस पर्सन को आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि इनमें काफ़ी करेज आ गया है, काफ़ी हिम्मत देते हैं आप जब भी इनकी रिलेशनशिप में रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सब कुछ कर लेंगे, अपने जीवन में सब कुछ पा लेंगे। इस पर्सन के जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, कोई ना कोई खलिश है जिसे आज शाम ये अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं और ये पर्सन मानते हैं कि आप काफ़ी हिम्मत वाले हैं, करेज है आप में वो हिम्मत है कि आप पत्थर में से भी फूल उगा सकते हैं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं भी होते तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर ज़रूर होता जिसे आप डिज़र्व करते हैं। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे भी ज़्यादा अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप में सारी खूबियाँ हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपको हर कोई पाना चाहता है। ये पर्सन भी आपको पाना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस मुझे लगता है सही नहीं है। एक टाइम वो था जब इनके पास सब कुछ था बट इस पर्सन ने ना अपने किसी बैड हैबिट्स की वजह से अपना सब कुछ खो दिया है। आज ये ना बिल्कुल खाली हाथ हैं जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो आज शाम अपने फ्रेंड से ये बातें बोल रहे थे और आप ही की बातें किए जा रहे थे, आपको काफ़ी मिस कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।